अगर ये लागू हो जाता है चार लेवर कोड, 95% वर्कर इस कानून से बाहर हो जाएंगे, उसको कोई श्रम कानूनी सुविधाएं मिलेगी ही नहीं। अब देखिए महाराष्ट्र के न्यूनतम वेतन कितना है, बिहार का न्यूनतम वेतन कितना है, 8,000-9,000 रुपए। क्या होता है 9,000? कौन सी सरकार बढ़ा रही है, क्या बढ़ाई है, किसका बढ़ाई है, बताइए करती है ना सरकार ने, किसका बढ़ाई है? सरकार के दावे करना अलग बात है। जब देश सो रहा था, कोरोना का पीक चल रहा था, उस कानून को जो कहानी 70-75 साल पहले बनाया गया था, उस कानून को बिना बहस किए हुए सरकार ने सिर्फ 36 मिनट के अंदर पास कर दिया था। इनके पास वकील की फीस देने के पैसे हैं? किसके पास है? व्यवस्था के पास में, सिस्टम के पास में, पूंजीपति के पास, उस कंपनी के पास में, उस एडमिनिस्ट्रेशन के पास पैसा है, वो वकील खरीद सकता, वकील ले सकता, हम कहाँ से वकील लेंगे? आखिर छुआछूत पर रोक क्यों नहीं लगती है? कहीं ना कहीं व्यवस्था सामंती सोच का प्रतीक है ये, ठीक है? क्योंकि वो जानता है व्यक्ति, जो अगर मैं कुछ गलत गुनाह कर रहा हूँ तो मैं बच जाऊंगा। जनता के टैक्स के पैसे से जमीन खरीदेंगे, जनता के टैक्स के पैसे से बनाएंगे और फिर उनको आप बेच देंगे। जिस GST का आपने विरोध किया था, जिस लैंड एक्विजिशन बिल का विरोध किया था, जिस आधार कार्ड का आपने विरोध किया था, जिस बीमा विधायक पॉलिसी का आपने विरोध किया था, उस सारे चीजों को लागू करके आप तो फूले नहीं समा रहे हो। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं संसद रोड पर मौजूद हूँ और संसद रोड पे लगातार यहाँ पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है, तो अभी इन्हीं लोगों से जानते हैं। इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के तहत ये जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो सर, क्या नाम है आपका और क्यों ये प्रदर्शन किया जा रहा है? मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज 25 अगस्त है, कल 26 अगस्त। भारत का श्रम मंत्री, पूरे भारत का श्रम मंत्री तिरुपति के अंदर हर स्टेट के श्रम मंत्री को बुला करके वहाँ पर वो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि पहले 44 कानून थे, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है इसको चार लेबर कोर्ट में लेकर के आई है 44 कानूनों को। तो ये जो 44 चार लेबर कोर्ट है, ये मजदूर विरोधी है। अगर ये लागू हो जाते हैं, जैसे किसान लड़ गए थे 3 कृषि कानूनों के खिलाफ को लेकर के, उसी तरह से ये मजदूरों के खिलाफ भी ये 4 लेबर कोर्ट उसी दौरान लेकर के आए थे ये। तो ये है कि वहाँ पर वो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हर स्टेट के मुख्यमंत्री को बुला करके। हो सकता है मुख्यमंत्री नहीं किया हो, लेकिन कोई ना कोई उनका एक आईए नुमंडा वहाँ पर किया होगा कि आप इसको अपने स्टेट के अंदर लागू करिए। अगर ये लागू हो जाता है चार लेबर कोड, 95% वर्कर इस कानून से बाहर हो जाएंगे, उसको कोई श्रम कानूनी सुविधाएं मिलेगी ही नहीं। ये मेन बात है, उसको लेकर प्रोटेस्ट है। मतलब क्या समस्या आ रही है इस चार लेबर कोड कानून में? देखिए, पहले IT Act ये कहता है कि जहाँ पर 10 वर्कर काम करते हैं और कोई काम पावर से रिलेटेड है तो वहाँ पर IT Act कानून लागू होता है। अगर ये कोड लागू हो जाते हैं ना, तो इसको 50 लेकर के चले गए हैं कि जहाँ पर 50 वर्कर काम करेगा वहाँ पर जाकर के लागू होगा। और इस कोड के दौरान जो कमी है वो ये है कि अगर मैं किसी कंपनी में जाकर के नौकरी करना चाहता हूँ तो मैनेजमेंट मुझे पहले ही कर्डन ट्रैकिंग लिखवा करके रख लेगा, वो जब चाहेगा जब वो निकाल करके बाहर कर देगा। अगर मैं लेबर कोर्ट के अंदर मैं गया, वहाँ पर कंप्लेन करी, अथॉरिटी के पास कंप्लेन करी, तो अथॉरिटी उसको नोटिस भेजेगी। अगर वो एक 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे वो लिख करके दे देगा, हाँ जी मैं तमाम इम्प्लीमेंट अपने संस्थान के अंदर लेबर कानूनों का मैं फॉलो करता हूँ, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये है, ये सब चीज़ें हैं। तो सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमेश शर्मा है। तो मगर लेबर के लिए तो जो है सरकार लगातार इस तरीके के कानून ला रही है, उनके विकास के लिए काम कर रही है कि इस तरीके से उनकी जो वेतन है वो भी बढ़ाई जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं, कहाँ पे किसको बढ़ा रहे हैं भाई। ये तो मुल्क किसी दुनिया का हिस्सा है, कोई बाहर तो है नहीं है। आज जो परिस्थिति ये है, अभी आप चल के देखिए किसी भी देश के इस समय सरकारी संस्थानों में जो ठेके और निजीकरण के लोग जो काम कर रहे हैं उसके अंदर उनकी परिस्थिति क्या है। जो सरकार का, जो दिल्ली सरकार, वो भी एक न्यूनतम वेतन उनका एक जाहिर है कि उनको पता कि न्यूनतम वेतन 15,000+ रुपये है, ठीक है, वो मिलता है। लेकिन ये भी सच मान है कि जो सरकार, दिल्ली सरकार भी अगर है, वो ढोल पीटती है, वो जाके इंडस्ट्रियल इलाके में देखे ना कि इसी जो न्यूनतम वेतन का कहाँ पालन हो रहा है। आज भी लोग 8,000-9,000 रुपये के वेतन पर काम कर रहे हैं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, बोनस का सवाल नहीं है, वेतन का सवाल नहीं है, छुट्टी का सवाल नहीं है। आप बताइए, महीने में 4 छुट्टी मिलती है, सबको छुट्टी मिलती है, 4 लेबर उसमें है। लेकिन किस सरकारी संस्थान के अंदर जो ठेके के अंदर जो लोग हैं या जो निजीकरण के सवाल पर या आउटसोर्स पर जो लोग काम कर रहे हैं, उनको किसी को छुट्टी नहीं मिलती है। छुट्टी उनको जबरदस्ती 4 दिन की दी जाती है और उस 4 दिन की छुट्टी के पैसे जबरदस्ती दी जाती है और 4 दिन की छुट्टी के पैसे काट लिए जाते हैं उनको। वेतन मैं काम करता हूँ 30 दिन, मुझे 30 दिन का वेतन मिलता है, लेकिन वो 30 दिन नहीं काम करा करके 26 दिन काम कराया जाता है और 4 दिन का वो जो वेतन है उनका काट लिया जाता है। मतलब जबरदस्ती
छुट्टी भी दे रहे हैं और वेतन भी काट रहे हैं। ये सवाल देखिए आप, कितना बड़ा घोटाला है एक संस्थान में। आप सुनिए, एक संस्थान के अंदर अगर 3000 कर्मचारी काम करते हैं, ठीक है, एक कर्मचारी के अगर 600 रुपये वेतन है तो महीने कितना हो गया, 2400 रुपये, ठीक है, और साल का कितना हो गया, करीब 12,500 रुपये, ठीक है। एक कर्मचारी से 12,500 रुपये आप लूट रहे हो, ठीक है, जिससे जबरदस्ती छुट्टी दे रहे हो, वो छुट्टी चाहता नहीं है। 15,000 रुपये में किसका घर चल रहा है, उसको अपना घर का किराया भी देना है, माँ बाप का इलाज भी है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई है, स्वास्थ्य सब चीज़ लेनी है, मकान का किराया भी देना है। ये तो दिल्ली सरकार की बात कर रहा हूँ, देश की राजधानी में हम बैठे हैं। अन्य राज्यों में आप देखिए ना, उड़ीसा का न्यूनतम वेतन कितना है, आप जाके महाराष्ट्र का न्यूनतम वेतन कितना है, बिहार का न्यूनतम वेतन कितना है, 8,000-9,000 रुपये। क्या होता है 9,000, कौन सी सरकार बढ़ा रही है, क्या बढ़ाई है, किसका बढ़ाई बताइए, ज्यादा करती है ना सरकार, किसका बढ़ाई है। सरकार के दावे करना अलग बात है, सरकार तो हमेशा एक पक्ष रखती है हमेशा, और नाम किसी योजना किसी और का नाम होता है और काम किसी और के लिए करती है। ये इसी लेबर एक्ट को जो ये भी है, जो 4 करोड़ का, ये भी इसी का पक्ष है। जो कानून इतने सालों से चला जा रहा है, 1926 एक्ट के अंतर्गत इतने लंबे सालों से चला रहा है, उस कानून को इस महामारी के दौर में जब देश सो रहा था, कोरोना का पीक चल रहा था, उस कानून को, जो कानून 70-75 साल पहले बनाया गया था, उस कानून को बिना बहस किए हुए सरकार ने सिर्फ 36 मिनट के अंदर पास कर दिया था। आप बताइए ना, इतना बड़ा देश का ये एक्ट है, इसको बिना बहस किए आपने 36 मिनट में पास कर दिया, क्या आपके पास बहुमत, आप कुछ भी करेंगे, यानी सरकार क्या बिना जाने समझे कोई भी कानून पारित कर दे। देखिए सीधी सी बात है, ये सरकार पूंजीपतियों के पूरे हक में जा रही है। इसने लेबर लॉज खत्म करना है, ये ठान के बैठी हुई है। शोषण का एक बताइए, मैं आपको कहाँ चलना है आप बताइए, कहाँ बताना है। सरकार के लोग कहते हैं, जो अधिकारी कहते हैं कि देखिए, पहले करप्शन जो था वो भ्रष्टाचार दिखाई देता था, आज करप्शन लीगल हो चुका है, लीगल रूप दे चुका है। भ्रष्टाचार के लिए तो हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है कि कोई भ्रष्टाचार कर रहा है इस पे कॉल कीजिए। आप कुछ भी बना दीजिए ना हेल्पलाइन नंबर में, जो भ्रष्टाचार का शिकार है वो अगर शिकायत करने जाता पहले उसकी नौकरी जाएगी। ये आप बताइए ना, कौन सा एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासन कहते हैं कि जो आदमी शिकायत करेगा 500 आदमी मैं खड़ा कर दूंगा, वो एक कहते हैं इनकी नौकरी नहीं जाएगी, मैं इसी दिल्ली के अंदर 20,000 आदमी खड़ा कर दूंगा, वो इतना कह दें कि इनकी नौकरी नहीं जाएगी। आप भी काम करते हैं? मैं भी उन्हीं के बीच में काम करता हूँ, मैं उन्हीं का हिस्सा हूँ। क्या काम करते हैं? मैं वहाँ के यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ और परमानेंट यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, उन्हीं के बीच में काम करता हूँ। हमारे पास भी 2,500-3,000 वर्कर। मजदूरों को मिनिमम वेतन कितना मिलता है? मिनिमम वेतन देखिए, मिनिमम वेतन का अधिकार हो, जहाँ पे लड़ाइयाँ हैं, जहाँ पे संगठन है वहाँ मिल रहा है, दिल्ली के अंदर है, जहाँ पे लड़ाई संघर्ष नहीं है, ये सब जो सरकार है इन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब लड़ाई संघर्ष से आज के टाइम में जो लड़ाई संघर्ष करता है तभी देखिए, हमारे यहाँ मिल रहा है, दिल्ली के जो छोटे छोटे जो बड़े अस्पताल हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को वहाँ मिल रहा है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा उनको वो करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, हमारे पास आते हैं, उनके अलग यूनियन में वो भी सिखाती है। लेकिन जहाँ पे यूनियन नहीं है, जहाँ पे लोग जागरूक नहीं है, वहाँ पे जाके फैक्ट्री में जाकर देखिए, आप भवाना में देख लीजिए, आप ओखला में जाके, आप इंडस्ट्री रुके में जाके, क्या मिलता है उनको वहाँ पे? बोनस के सवाल पे अगर वेतन मांगता है, बोनस मांगता है, आज सफदरजंग अस्पताल के अंदर कल क्या हुआ है, 23 तारीख थी कल 23 तारीख थी, 23 तारीख तक कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया था, 24 तारीख तक वेतन नहीं दिया गया था, कर्मचारी कल वहाँ उग्र हो गए। आप बताइए ना, आप हम लोग हैं, अगर 1 तारीख को हमारा वेतन सरकारी कर्मचारी नहीं मिलता, 2 तारीख को हम हिल जाते हैं, सच बता दूँ, आप रियल बता दूँ, 2 तारीख को हमें लगता है हमारा खर्चा कहाँ से चलेगा, क्योंकि हर आदमी का अपना एक बजट बना हुआ है, तरीका बना हुआ है। आदमी वर्कर काम कर रहा है, दो महीने आप तनख्वाह नहीं दोगे, ठीक है, आप वेतन नहीं दोगे, पैसा नहीं दोगे, बोनस नहीं दोगे, अगर वो कुछ सवाल करता है तो कैसे ड्यूटी में आता, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तो बहुत बोलते हो, तो फालतू बकवास करते हो, तुम SI की बात करते हो, PM की बात करते हो, शक्ल अच्छी नहीं है ऐसा बोलते, जाहिर है, तो बहुत फालतू बोलता है, तो बहुत ज्यादा नेतागिरी करेगा, अच्छा। तुम नेतागिरी करते हो, तुम बाहर जाओ, तुम कैसे दिखाई मत देना, क्या करेगा वो, मतलब हक अधिकार की बात करें तो नेतागिरी क्या करेगा वो, करता क्या करता वो क्या कर क्या पाता। हमारे पास लोग बैठे हुए हैं बिना नोटिस के, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ बैठे हुए, कम से कम ये लोग बैठे हुए बिना नोटिस के, बिना नोटिस कोई नोटिस नहीं, कोई नहीं, निकाल के बाहर कर दिया, उनका कोर्ट में केस चल रहा, कौन लोग हैं वो जरा सामने बोल, निकाल के बाहर कर दिया उनको, इससे पहले भी 30 गार्डों को निकाल के बाहर, उनका भी कोर्ट मुकदमा चल रहा, क्या है इनके पास, कौन सा पैसा है इनके पास, किन से जेब में पड़ी हुई है इनके, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कैसे चले जाएंगे, इनके पास वकील की फीस देने के पैसे हैं, किसके पास है, व्यवस्था के पास में, सिस्टम के पास में है, पूंजीपति के पास, उस कंपनी के पास में, उस एडमिनिस्ट्रेशन के पास पैसा है, वो वकील खरीद सकते, वकील ले सकता है, हम कहाँ से वकील लेंगे, हम वकील कहाँ से लेके जाएंगे, कहते रहे न्याय प्रणाली है, न्याय प्रणाली में आप देखिए ना, किसान एक साथ संघर्ष किया है तब जाके वो अपने किसान कानून की वापसी की बात हुई है,
उसमें भी अभी एमएसपी की बात नहीं हुई, इनकी हुई नहीं हो रही है, फिर दोबारा हुआ है, तो सरकार कर क्या रही है, सवाल तो ये है। सरकार बाहर चाइना वाइना टाइट कर रही है ना, चाइना टाइट हो गया, कॉरिडोर बन रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है ना, वो कुछ भी बना ले, जनता तो खुश है इसमें। जनता देखिए एक बात बता दूं, बीजेपी के पास में अगर देखा जाए बहुमत में देखा जाए बीजेपी के पास में 34% वोट है, 34% वोट है, देखा जाता है उनके पास में जो 64% जो वोट है या जो भी कुछ वोट है वो तो उनसे बाहर ही है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई पावर आ गई, बहुत बड़ा इसका तो वो दावा कर रही है। कुछ भी देखिए सत्ता है, वो चीज़ें होती है, हम उनमें नहीं जाना चाहते हैं, कौन जीतेगा चुनावी प्रक्रिया, जीत के आएगा जीतेगा कोई, हम उसे रोक नहीं सकते हैं। लेकिन ये भी सच है कि अगर वो जीत के देने वाले भी तो आप ही लोग होते हैं। देखिए लोग देते हैं वोट, लेकिन सवाल है क्या लोग नहीं देते हैं, नहीं हम भी देते हैं, लेकिन क्या वोट देने वाला सवाल नहीं करेगा, हमने आपको चुना है तो हम सवाल करें तो गलत कैसे होगा, देश के राजा है उनसे कैसे सवाल। राजा कौन है, राजा कौन है आज की डेट में, संविधान में राजा थोड़ी है, संविधान में सबको एक साथ अधिकार है, किस बात का राजा, राजा होता तक उसकी पैदाइश राजा घर में होती है, उसकी पैदाइश राजा घर में होती है, अधिकार मिल रहे हैं नहीं, अधिकार के लिखे हुए हैं, अधिकार नहीं मिल रहे, अधिकार संविधान में लिखा हुआ है, अधिकार है, लेकिन कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है बताइए ना। चौदह जो संविधान में 14 जो सेक्शन हाँ, के तहत जो उसमें बेहतर चीज है, सब कुछ प्रावधान बेहतर है, लेकिन मिल कहाँ रहा है आज बताइए, आज देखिए क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, अभी पीछे क्या हुई है, अभी राजस्थान में क्या हुआ, अगर अधिकार मिला हुआ तो छुआछूत कैसे बढ़ रही है, क्यों नहीं छुआछूत पर रोक क्यों नहीं लगती है, आखिर छुआछूत पर रोक क्यों नहीं लगती है, कहीं ना कहीं व्यवस्था सामंती सोच का प्रतीक है ये, ठीक है, क्योंकि वो जानता है व्यक्ति जो अगर मैं कुछ गलत गुनाह कर रहा हूँ तो मैं बच जाऊँगा। आप बलात्कारियों के साथ में जो खड़े होकर के गुजरात के बलात्कारियों के साथ में आप उनके साथ में माला बना रहे हो अपने ऑफिस में बुला करके, तो कैसे नारी सम्मान हो गया, ये नारी सशक्तिकरण की बात करना प्रैक्टिकल में होना चाहिए, प्रैक्टिकल में होना चाहिए, लेकिन नारी सशक्तिकरण की बात करके आपको मालूम है कि इस तरीके से 11 आरोपियों को छोड़ दिया जा रहा है, श्रीकांत त्यागी जैसे के लिए महापंचायत लग जाती है, है ना, तो आपको लगता है कि आपकी मांगे सुनी जाएंगी। देखिए हमारा काम मांगे, देखिए लोग लड़ रहे हैं, अभी लोग बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए हैं, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, देखिए सवाल ये नहीं है, देखिए एक बात आइए, हम क्या लड़ना छोड़ दें या हम बोलना छोड़ दें, यहाँ तो बहुत कम लोग दिख रहे हैं, अभी एक हो, मैं एक खड़ा हो, मैं लड़ूंगा, अकेला लड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अकेले लड़ लेंगे, बिल्कुल लड़ूंगा, क्या दिक्कत है, इतनी पावर है सरकार के पास, मैं कह रहा हूँ कुछ भी पावर, क्या करेंगे, आदमी लड़ सकता है, सुनो मैं क्या, मेरे पास क्या पावर है, मैं तो साधारण आदमी हूँ, लेकिन मैं क्या, मेरे क्या बोलने पर रोक लगा ले कोई, मुझे जेल में बंद करेगा, डांट देगा, मार देगा, सही करके आहत हो जा रही, नहीं जब आहत देखिए उनकी आहत होती है, हमारी नहीं आहत होती है, उनकी आहत हो जाती है, हमारी बिल्कुल नहीं आहत होती है, में पता है ना संसद में अब ऐसे शब्दों की भी मनाही कर दी गई है, ठीक है, वो देखिए वो लोग आपस में बहुत कुछ बोलते हैं, बता दूं वो लोग इतने अच्छे होते हैं ना, वो लोग इतने बेहतर होते हैं, बता दूं तो वो तीर और झंडे के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, वो अपने उसके लिए जा रहे हैं कि मेरा झंडा कौन सा निशान होगा उनको। अच्छा, एक बात बताइए, आजादी के 75 साल मनाए जा रहे हैं, हर घर घर तिरंगा हो रहा है, लेकिन आप लोग इस तरीके के तिरंगे लेकर बैठे हुए हैं, ये हमारा देखिए, हम आजादी का तिरंगा जो आजादी महोत्सव हम लोगों ने शरीक लिया, हम लोग तिरंगे की जगह तिरंगा लड़ाते हैं, लेकिन ये हमारा प्रतीक है, ये हमारा प्रतीक है। 75 साल में अपने आप को आजाद समझ रहे हैं, किसकी आजाद, देखिए आजाद तो देखिए सुनिए बदलते, उससे तो बेहतर आजाद तो है, क्यों नहीं आजाद, क्यों नहीं है, बोल रहे हैं आपसे, मैं बात कर रहा हूँ तो आजाद हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं, इसे बाल बोला तो जा रहा है, अब 8 सालों में ज्यादा आजाद पाया जा रहा है, नहीं देखिए ज्यादा आजाद नहीं, नहीं ये सब देखिए, इससे भले क्या लोग 8 साल पहले लोग क्या रोटी नहीं खाते थे, या लोग पानी नहीं पीते थे, हवा नहीं लेते थे, ऑक्सीजन नहीं लेते थे, और 8 साल पहले लोग जिन लोगों का जीवन नहीं था, या यूनिवर्सिटी नहीं थी, आईएम नहीं था, अस्पताल नहीं थे, रेलवे नहीं था, प्लेटफॉर्म नहीं था, हवाई जहाज नहीं थी, हेलीकॉप्टर नहीं था, ये 8 साल में सब कुछ पैदा हुआ, सवाल तो ये है कि सब कुछ 8 साल में पैदा हुआ, वही अलग बात है कि 250 पीएससी कंपनियां बेच डाले, एयरपोर्ट भी तो बनाए जा रहे हैं 8 साल में ही तो बनाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट बना जरूर डालेंगे, लेकिन फिर एयरपोर्ट आप बेचेंगे, जनता के टैक्स के पैसे से जमीन खरीदेंगे, जनता के टैक्स के पैसे से बनाएंगे और फिर उनको आप बेच देंगे, ये बेचेंगे आपको, बिकेगा आप देख लीजिए, बिक जाएगा, क्या नहीं बिका बताइए, क्या नहीं बिका, भारत पेट्रोलियम कितना 1000 करोड़ में प्रॉफिट में था, क्यों बेचा गया, एनटीपीसी क्यों बेची गई, बेल और सेल क्यों बेचा गया, क्यों बेचा गया, आप बीमार उद्योग को बेचिए, उन पर आप करिए, हम उसके पक्ष में नहीं है कि जो बीमार उद्योग चलने चाहिए, लेकिन जो प्रॉफिट के उद्यम हैं उन आप क्यों बेच रहे हो, उन आप क्यों बेच, क्या आपके पास कोई लॉजिक है, नहीं आप तो एक ही तीर से सबको मार रहे हो, सबको घायल कर रहे हो, ये गलत तरीका है,
इससे भले भी सरकारें रही हैं, सरकारों लोगों ने काम तीर से काम आ रहे हैं, अलग अलग तीर चल तो रहा है। नहीं, वो अलग तीर एक ही है उनका, एक ही तीर अलग अलग कुछ नहीं है उनके पास, एक ही तीर और कोई तीर नहीं उनके पास। आप भी जानती बेहतर थे कि उनके पास क्या तीर है, ठीक है, वो तीर है उनके पास, हमें पता, उनके पास हमें पता कि अभी स्थिति क्या है। आज देश ठीक है, वो चीन से लड़ रहे हैं, कौन कौन से तीर है जरा बता दीजिए। उनका एक ही तीर है, देखिए उनके पास एक ही तीर है, विभाजन का तीर, और कोई तीर नहीं है, विभाजन और कोई तीर उनके पास कोई तीर नहीं है, विभाजन का तीर है, और उनके पास यही बेहतर तीर उनके पास भी है। और आजकल तो दूसरा तीर है वो उनके पास, वो देखिए वो हमारे जैसे लोगों के पास क्या, आज के देखिए कितने, आपकी उम्र कितनी है, मैं आपसे सवाल करता हूँ, मेरी उम्र 50 साल हो गई, किस कम्युनिस्ट के घर में छापा पड़ा ईडी का, किस कम्युनिस्ट के घर में ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा, डालो ना हमारे यहाँ, डाल दो क्या मिलेगा, फुक्के हैं तो फुक्केड़ हैं, डालो हमारे घर में। अरे डरेगा वो जो करप्ट होगा, सीबीआई और ईडी कहाँ भेज रहे हैं लोग, उनके पास भेज रहे हैं, जाहिर है वो भी इसी सिस्टम के पार्ट हैं और ये भी इसी सिस्टम के पार्ट हैं। ब्लैकमेल किसको करोगे, हमको क्या ब्लैकमेल करोगे, मार्क्स मिली जुली सरकार है, मार्क्स ने कहा सर्वहारा को खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। पैसा जो देखिए, अगर सरकारें रखवाई है ना, सरकारें पेट्रोल से ही और डीजल से ही सरकार कितने कमा चुकी है, कितना कमा चुकी है, लेकिन आप बेइंतहा महंगाई और बेइंतहा जीएसटी, अगर आप कमाए हैं तो जीएसटी लगाने की क्या जरूरत पड़ी आपको, जिस जीएसटी का आपने विरोध किया था, जिस लैंड एक्विजिशन बिल का विरोध किया था, जिस आधार कार्ड आपने विरोध किया था, जिस बीमा विधायक पॉलिसी का आपने विरोध किया था, उस सारे चीज़ों को लागू करके आप तो फूले नहीं समा रहे हो। जीएसटी भी एक घोटाला है, जाहिर है ये वन नेशन और क्या बोलते हैं वन टैक्स, ये क्या तरीका है, वन नेशन वन टैक्स हो सकता है कभी, और वन नेशन वन टैक्स है अगर है तो अलग अलग राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम अलग अलग क्यों है, बताइए ना आप, अगर वन नेशन वन टेस्ट है जीएसटी आपने लगा दी तो सारे राज्यों में अलग अलग पेट्रोल डीजल के दाम क्यों अलग अलग है, अलग ये क्यों नहीं हो, वन नेशन वन टैक्स बताइए, टोल टैक्स अलग अलग नहीं है, अलग राज्य का अलग टोल है, इस राज्य का अलग टोल, कहाँ वन नेशन वन टैक्स, ये फंटेबाजी है, ये सब जानबूझ के वन नेशन वन, वो पुरानी थ्योरी है उनके, पुराने लोगों की थ्योरी है, वही थ्योरी चलती रहती है, लेकिन कुछ नया नहीं है, मतलब थ्योरी रिपीट हो रही है, वो थ्योरी है, पुरानी थ्योरी है, कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है, बस शर्त ये देखिए, सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी, मुल्क बड़ा है, मुल्क के नागरिक बड़े हैं, मुल्क के लोग बड़े होते हैं, ठीक है, सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकारें देखिए आज नहीं कल नहीं एक साल बाद, लोग कहते हैं हम 50 साल रहेंगे, अरे मैं कह रहा हूँ तुम 500 साल रहो, क्या कर क्या रहे हो लोगों के लिए, आप रहो 500 साल, हमारी सरकार क्या प्रॉब्लम, हमें क्या प्रॉब्लम है, कोई सरकार कहती है कि मैं 500 साल रहूंगे, अरे रहो आप 500 साल, जनता ला रही है बार बार उन्हें, जनता देखिए जनता में पावर है, पैसे की पावर है, मेरी ताकत है, नहीं आप समझिए ना, मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, मैं चुनाव लड़ पाऊंगा, चुनाव लड़ने के लिए 70 लाख की नियम है कि नहीं, अपना पैसा ही जरूरी है, अगर आप लड़ेंगे, अगर आपकी आपके लोग साथ में है तो आप जरूर चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ पे मेरे सुनिए ना, देखिए छोड़ी ये सब बहुत ऐसी अजीब सी बातें, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं, आप भी जानते हैं सभी राजनीति के पार्टियों के पास पैसा होता है, बिना पैसे के आप ये बताइए 25 हेलीकॉप्टर किसके उड़ रहे हैं, हमारे उड़ेंगे 25 हेलीकॉप्टर में आप बैठ करके उड़ रहे हो और ये 5 करोड़ की रैली कर रहे हो और ईमानदारी की बात हो रही है, हमें सिखाया जाता है, आप बताओ क्या हम 25 हेलीकॉप्टर में उड़ा पाएंगे हम लोग, सबसे ईमानदार सरकार बताइए। अरे देखिए अपने आप से मैं कुछ भी सर्टिफिकेट अपने आप को मैं कुछ भी देता हूँ, ईमानदार लोग कहें, मेरी ईमानदारी का प्रतीक लोग माने, मैं क्या अपने आप में ईमानदार हूँ, मैं क्या मान्य रखता हूँ अपने आप में, मैं अपने आप में कुछ मान्य नहीं रखता हूँ, हमने साधारण से इंसान है, क्या करेंगे अभी यहाँ पर, अभी बैठे ये लोग इकट्ठे हैं, अभी यहाँ से कल का भी इनका प्रदर्शन है, ये लोग जाएंगे और ये लोग भी दोबारा कल का भी प्रदर्शन है, अलग अलग इलाकों में है, वहाँ पे भी वहाँ तिरुपुरम पे चल रहा है प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई चीज़ें, ये चीज़ें देखिए मजदूर आंदोलन किसान आंदोलन ये सरकारों से नहीं बनता है, बिगड़ता है, सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं अपने हक और हकूक के लिए, हम कोई भी सरकार आए, हमने मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है, ऐसा नहीं कि हम इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, हम उनके भी जातियों का विरोध करते थे और हम इनके भी जातियों का विरोध करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, अभी आपने सुना किस तरीके से लगातार मजदूरों के हक अधिकारों को छीना जा रहा है, किस तरीके से उनसे 12-12 24-24 घंटे काम करवाया जाता है लेकिन वेतन जो है वही घिसा पिटा दिया जाता है, 15,000 से 9,000 अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से वेतन दिया जाता है, जब वो लोग छुट्टी मांगते हैं तो छुट्टी उन्हें दी नहीं जाती, अपनी मर्जी से छुट्टियाँ उन्हें दे दी जाती हैं और जब अपनी मर्जी से छुट्टियाँ दे दी जाती हैं तो उसके बाद उसका वेतन भी काट लिया जाता है, तो ये आप देखिए किस तरीके की ये नीतियाँ
जो सरकार की है लगातार ये इस तरीके से काम करती है कि किस तरीके से मजदूर जो है, दबा कुचला वर्ग जो है, लगातार अपने खाने और पीने के लिए, रहने के लिए, सहने के लिए संघर्ष कर रहा है रोडों पर, लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है, रोष प्रदर्शन इनका हो रहा है। एक जगह और बताया जा रहा है प्रदर्शन हो रहा है, तिरुपति जी एक प्लेस बताया गया है, तो वहाँ पर भी प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ पर लोग डिटेन हो रहे हैं, लगातार ही अपने हक अधिकारों के लिए यहाँ लड़ रहे हैं, लेकिन सरकारें जो हैं उनके कानों में शायद बस पड़ा हुआ है और उन्हें इनकी आवाज़ें और इनका दर्द समझ में नहीं आता। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ, मैं पूजा, संसद रोड, दिल्ली।